चलिए बेटा जी, अब इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि नाइन्थ मैं करवा रही हूँ, टेंथ आप लोगों ने करना है। दोनों एग्जैक्टली सेम है, आपने देखा इस एक्सरसाइज में दो दो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है ना। कंसेप्ट तो हमने मतलब तीन चार ही सीखे हैं और इंटरेस्टिंग है और आगे यूज़ होने वाले हैं। जब तक आपको ये कंसेप्ट्स नहीं आएंगे ना बेटा, आगे आप बड़े सारे चैप्टर्स जो है, जैसे मेंसुरेशन है, फिर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है, ज्योमेट्रिक, जितनी भी एक्सरसाइज है ना, आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना आना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा होता है। तो अभी हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ द बेसिक मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हमने किया, लेकिन वो जस्ट आपको आना चाहिए, लेकिन उसका बेटा हम प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते ना। हम कितनी बारी माइनस 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 करते रहेंगे ऑड नंबर्स को, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो बेसिक मेथड है ये निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का। अभी हम जो नेक्स्ट करेंगे ना डिवीज़न मेथड, वो आपको इससे भी जल्दी स्क्वायर रूट निकाल के देगा, ठीक है। तो लेकिन जब तक आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, तब तक आगे नहीं चलोगे, ओके। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, और बेटा इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, हमने क्या निकालना, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, नंबर नहीं निकालना, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, वो भी कौन सा, दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 and 10। देखो, हमने वो स्क्वायर नंबर बताना है जो 4 से भी डिवाइड होता हो, मतलब 4 के भी टेबल में आता हो, 9 के भी टेबल में आता हो, 10 के भी टेबल में आता हो, ठीक है। अब हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, हम सोचते रहे कौन सा ऐसा स्क्वायर नंबर है जो 4 के टेबल में भी आए, 9 के टेबल में भी आए, 10 के टेबल में भी आए। 4 4 16, अगर मैं करूँ 16 4 के टेबल में तो आता है, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता। क्या मैं ऐसे एक एक करके करती रहूँगी? नो, आई हैव टू सी द क्वेश्चन। कंसेप्चुअल जो है वो हमें मेन देखना है, कंसेप्ट है क्या। पहली बात तो ये, अगर मैं एक मिनट के लिए स्क्वायर को छोड़ दूँ, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, मुझे वो नंबर का ढूंढना हो, दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 और 10, मतलब वो नंबर जो 4 के टेबल में भी आता हो, 9 के टेबल में भी आता हो, 10 के टेबल में भी आता हो, कहने का मतलब है जो 4 का भी मल्टीपल हो, 9 का भी मल्टीपल हो, 10 का भी मल्टीपल हो, वही मतलब हुआ ना, ठीक है। मतलब तीनों का कॉमन मल्टीपल हो, और बात ये उन्होंने स्मॉलेस्ट की, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो। सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद देखते हैं, अगर वो नंबर स्क्वायर नंबर हुआ तो हमारी प्रॉब्लम खत्म, हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 4, 9 और 10 का एलसीएम जब मैंने निकाला, तो एलसीएम तो मेरा 60 आया। अब 60 मुझे पता है कि 60 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 10 वाले तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते ही नहीं है। फिर मल्टीप्लीकेशन में मैंने देखा, मैंने क्वेश्चन किया था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन मल्टीप्लाइड बाय द गिवन नंबर टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैं इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकती हूँ ना मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। फिर जब मैंने इसके फैक्टर्स देखे, मेरे पास 2 तो पेयर में है, 3 सिंगल है, 5 सिंगल है, तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए मुझे 3 भी पेयर में चाहिए और 5 भी पेयर में चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मैं 1, 3 और जोड़ लूँ और 1, 3, 5 और जोड़ लूँ, तो मेरा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। 1 आ गया मेरा 60, ठीक है। 60 के साथ जब मैंने 3 और जोड़ा और 5 और जोड़ा, तो मेरा आंसर आया 900, और 900 जो है दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। गॉट इट, ठीक है। तो सेम आपने करना है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग 8, 15 and 20। सबसे पहले हम 8, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे। जब हमने उसका एलसीएम निकाला, हम देखेंगे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता वो, है ना, क्योंकि तीनों का मल्टीपल जो होगा दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर हम देख लेंगे जो नंबर विदाउट पेयर होंगे, और उनको, उन नंबर्स को दोबारा एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हमारे पास आ जाएगा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 8, 15 और 20। अब तो 900 स्क्वायर नंबर भी है, 900 4 के टेबल में भी आएगा, 900 9 के टेबल में भी आएगा, और 900 10 के टेबल में भी आएगा। इज इट क्लियर बेटा? देखो, मैं इस चैप्टर पे इतना टाइम क्यों लगा रही हूँ, जिन बच्चों ने ये आपने ओलंपियाड भरे हैं, ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चंस मेन है, बहुत बार ये क्वेश्चंस आए हैं ओलंपियाड्स में, ठीक है। तो कंसेप्ट समझना, और जहाँ से समझ में नहीं आ रही है वहाँ से पूछना भी है, और कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। इसलिए मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स दे रही हूँ आपको।